कि आप मेरे आसपास की जो फौज है ना उसमें भी ज्यादा भरोसा मत करना, आप ये ध्यान रखना जीवन के अंदर, कभी भी कोई भी छोड़ सकता मुझे, सरक सकता है। अपने पास क्या नौ सिखियों की फौज है, नौ सिखियों की फौज से अपन लड़ाई जीतने के लिए चले, ठीक है ना। ये मंच पे भी आते बैठे सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और माइक पे भाषण देने के लिए, इनका कोई काम नहीं जाता कि डिस्टर्ब कैसे करें, ठीक है ना। लेकिन मेरी मजबूरी मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं, मुझे चलना है, कप्तान की जिम्मेदारी होती है, फौज मरी हुई हो तो उसको भी लागे कप्तान ले जाता है, ठीक। बाकी तुम ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी ताकत मेरे पास ये है, मेरे पास सिर्फ ताकत आप लोगों की है, और आपके उतरे हुए चेहरे देखता हूं तो मुझे लड़ने में आनंद आता है। बाकी आप मेरे आसपास की जो फौज है ना उसमें भी ज्यादा भरोसा मत करना, आप ये ध्यान रखना जीवन के अंदर, कभी भी कोई भी छोड़ सकता मुझे, सरक सकता है। आप देखेंगे कई उदाहरण, एक ही साफा दोनों भाई एक दूसरे को पहना रहे हैं, और हनुमान जी का यही मन था कि हम दोनों जब एक थाली में खाने लगे हैं भाई भाई की तरह मिलकर के काम करेंगे। आदरणीय हनुमान जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब का साफा पहना करके स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। वीरों की धरती राजस्थान की सरजमी पर, और आज ये विद्याधर नगर स्टेडियम इतिहास रचने जा रहा है। एक बड़ी माला के साथ दोनों का स्वागत और सम्मान, फूलों की एक बड़ी माला में दोनों भाई राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में एक जगह हैं, और यही स्वागत और सम्मान की असली रस्म है। अब मैं चूंकि चंद्रशेखर जी आजाद साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी आजाद हमारे बीच मौजूद हैं, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, चंद्रशेखर राजा तुम संघर्ष करो, हनुमान जी तुम संघर्ष करो हम। और ये बात हमें 25 तारीख को राजस्थान की जनता के सामने साबित भी करनी है। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि बहुत आएंगे बहकाने वाले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा संकल्प एक ही काफी है। हमारे दोनों नेता सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल और सम्माननीय चंद्रशेखर जी आजाद राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में मिलकर के आने वाले समय में राजस्थान की सूरत और सिरत बदलने का काम करेंगे, राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। अब चूंकि चंद्रशेखर जी को पधारना है, आगे बड़ा कार्यक्रम है, आप सभी से निवेदन रहेगा आप सभी यहीं बने रहें, एक भी साथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा। जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर जी आजाद को विदा दें, एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें विदा दें, अलविदा दें। और आज के बाद से आज का कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले समय में सारे कार्यक्रम आपके राजस्थान में होंगे, इस तरह का संकल्प आप मंच के माध्यम से दोहरा करके गए हैं।